हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मदन मोहन तिवारी एंड यू आर वाचिंग योर चैनल फिनेंशियल पंडित। तो आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए, आप कितने एसआईपी के साथ अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप मार्केट में 10-15% रिटर्न ले रहे हो एनुअली बेसिस पे, और ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, मार्केट में अगर आप 10-15% ही रिटर्न ले रहे हो तो कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं ले रहे हो। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करके कहीं भी ऐसे रिटर्न ले सकते हो, लेकिन अगर आप 10-15% से कहीं ज़्यादा, आप कहीं 18-20-22-23% का रिटर्न ले रहे हो, तो इट मीन्स कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का ऑप्टिमल रिटर्न ले रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो में कितने एसआईपी और कितने म्यूचुअल फंड के साथ आप चल सकते हो। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 5 SIP रखते हैं, म्यूचुअल फंड को रखते हैं, तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि यार वाकई में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपना एक पोर्टफोलियो बनाए। पोर्टफोलियो बनाना ये बहुत ही ज़रूरी है, और आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करके रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप पोर्टफोलियो के साथ चलते हो। हालांकि म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी के साथ चलते हो तो आपका रिस्क ऐसे ही मिनिमाइज हो जाता है, और आपका रिटर्न भी ऑन द एवरेज आपको उस म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। लेकिन आप अगर जब पोर्टफोलियो बना देते हो तो आपका रिस्क और मिनिमाइज हो जाता है और आपका रिटर्न मैक्सिमाइज होने का ज़्यादा चांस होता है। तो पोर्टफोलियो में जब आप फंड ले रहे हो तो आप अब ये सोच, 5 म्यूचुअल फंड के साथ ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं। दोस्तों देखो, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जितना निफ्टी रिटर्न देगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। कहने का मतलब, अगर निफ्टी में 50 कंपनी है और अगर आपने उस 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको निफ्टी जितना रिटर्न दे रही है उतना परसेंट ही आपके फंड को भी रिटर्न दिखेगा। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे, 10 म्यूचुअल फंड का SIP ले लोगे, तो आप मार्केट के सारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर दोगे। अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड ले लिया, 10 SIP करवा ली, तो आप मार्केट के सारे कंपनियों में इन्वेस्ट कर लोगे। आप जैसा कि जानते हो, एक म्यूचुअल फंड के अंदर 30 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है, 30 से 40, कभी 50, कभी 20, ऐसे ऑन द एवरेज 30 होते हैं। तो अगर आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा 300 कंपनियों में इन्वेस्ट होगा, और वहीं अगर आप 300 कंपनियों में इन्वेस्ट करोगे तो निफ्टी के सारे टॉप मोस्ट कंपनियों में आपका तो पैसा होगा। इट मीन्स कि आपका निफ्टी में या सेंसेक्स में, इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जितना निफ्टी और जितना इंडेक्स आपको रिटर्न देगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ 10-12% के रिटर्न में खुश हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हो, 17-18%, 19%, 20%, 22%, तो 10 म्यूचुअल फंड के साथ चलना बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सौदा है। आप 5 म्यूचुअल फंड के साथ चल सकते हो, 5 SIP के साथ अपने आप पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रख सकते हो, और मानो इस बात को, आपका रिटर्न भी अच्छा होगा। अगर आप 5 म्यूचुअल फंड के साथ चलोगे, 5 SIP के साथ चलोगे, तो आपका पैसा सारे कंपनियों में नहीं होगा, पूरे इंडेक्स में नहीं होगा, आपका पैसा कुछ एक कंपनीज में होगा जिसमें आपको मैक्सिमाइज रिटर्न होने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप 10 कंपनियों में, 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, 10 SIP ले लेते हो, तो आपका पैसा पूरे निफ्टी, सेंसेक्स, मतलब इंडेक्स फंडों में जैसा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पूरे सारे कंपनियों में इन्वेस्ट हो जाएगा। तब जाके अगर निफ्टी 12% का आपको रिटर्न एनुअल बेसिस पे दे रही है तो आपका फंड भी उस समय 12% का रिटर्न देगा। दोस्तों, ये तो रहेगी कितने आपको म्यूचुअल फंड लेना है, आपके पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कितने SIP के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यू रख सकते हो। लेकिन जरूरी ये है कि आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें, जरूरी ये है कि आप अपने रिस्क को एनालाइज करें, जरूरी ये है कि आप अपने रिस्क को एनालाइज करके और उसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड का कैटेगरी सेलेक्ट करें। बहुत
लोग बस ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, किसी भी म्यूचुअल फंड में उठा के, और जब उनसे पूछा जाता है, हाँ जी मैंने तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 10 साल 5 साल के बाद जब वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न उनके उनके थिंकिंग के अकॉर्डिंग या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो सबसे पहले कंप्लेन करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही होता है, आपका डिसीजन उस समय गलत था। सही सिलेक्शन बहुत जरूरी है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप जरूर म्यूचुअल फंड लें। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ पैसा है, अगर म्यूचुअल फंड मेरे को लेना ही है तो मैं उस पैसे का करूँगा। आप जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो, आप चाहते हो कि और कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें और कुछ रिटर्न लें, तो आप अपने पांचों SIP में से जो आपका कंटिन्यू है, 1 साल 1.5 साल पुराना हो गया है, उसमें देखें कि उसका परफॉर्मेंस, उसमें से किस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है, और जिस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है आप उस म्यूचुअल फंड में कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दें, एज ए लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें, और तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न और SIP का रिटर्न बहुत होगा। दोस्तों आज ये टॉपिक जो था कैसा लगा आप जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद जय।